नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 मई से 6 दिनों के लिए विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 3 देश जापान, पीमियो न्यू गिरी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। इस दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात भी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए हैं। मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा सहित कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जापान के पीएम से पीएम मोदी ने किन मुद्दों पर चर्चा की है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। विदेश सचिव विनय गंगरा ने बताया है कि पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन से इतर जापान के पीएम फुमियो किशिदा और कुछ अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक मामलों सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई थी। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की थी और उनसे कहा था कि वह यूक्रेन में शांति व्यवस्था बहाल करने में जो हर संभव मदद होगी वो करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने कई और देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। अब हम G7 में किस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। विदेश सचिव विनय गंगरा ने बताया है कि G7 समूह की बैठक में प्राथमिकताओं से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई थी, जिसमें संपर्क बनाने, सुरक्षा, परमाणु नियंत्रण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं स्वास्थ्य और विकास के अलावा डिजिटलाइजेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के ऊपर बात की गई थी। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।